हरे कृष्णा, राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज के वीडियो में हमने ये जो ज्वेलरी बनाई है उसकी इयररिंग्स कैसे बनाते हैं वो देखेंगे। इस इयररिंग को बनाने के लिए हमने पहले गोल्डन बुकरम ले लिया है और इस पर हम इसको जो स्टोन है उसको चिपकाएंगे। अगर आपको छोटी बनानी है तो इससे छोटा जो डायमंड आता है वो भी आप ले सकते हो, लेकिन मेरे विग्रह की साइज़ 18 इंच है। चरण कमल के साथ उसकी 21 इंच होती है, तो इसके हिसाब से मैं ये वाला ले रही हूँ। इसके बॉर्डर को हम जो डायमंड की चेन है उससे कवर करेंगे। यहाँ पर हम इसको अच्छे से लगा देंगे। आई होप कि आपको जो ज्वेलरी मेकिंग के सारे वीडियोस है वो पसंद आ रहे होंगे और आपने भी कुछ ना कुछ सीख के बनाया होगा। ये बहुत ही आसान है, तो आप इसको घर पर इजीली बना सकते हो। यहाँ पर हम इसको अच्छे से कट कर लेंगे। अगर इसको सूखने के बाद भी कट करें तो इसका फिनिशिंग इससे भी अच्छा रहेगा, लेकिन मुझे थोड़ी जल्दी थी तो मैंने इसको गीला गीला ही कट कर दिया। और यहाँ पर मैंने दो बना दिए हैं और ये हम कान्हा जी को पहनाएंगे। एकदम सिंपल है ना बनाना, तो आप भी ऐसे ही हमारी अंगूठियाँ आती है वो भी बना सकते हैं। और इसी स्टाइल से आप छोटा छोटा जो होता है उनका कलंगी वगैरह वो भी आप बना सकते हैं। अब हम राधा रानी के लिए इयररिंग बनाएंगे, तो इसके लिए हम यहाँ पर इयररिंग जैसे कान्हा जी की बनाई है वैसे ही बना देंगे। और जो रानी हार में हमने नीचे की साइड जैसे लटकन बनाए थे अप एंड डाउन स्टाइल में, बस वैसे ही यहाँ पर भी बनाएंगे। तो आप अपने विग्रह की साइज़ के अकॉर्डिंगली यहाँ पर इस लटकन को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ये सारी जो डायमंड की चेन जो मैंने काट रखी है उसको हम अच्छे से फिक्स कर देंगे। दो दो डायमंड सिर्फ ऊपर की साइड चिपके रहेंगे, उसी तरह से हमने यहाँ पर इस बुकरम को काट रखा है। तो यहाँ पर हम इस स्टाइल से उसको बना देंगे। प्लीज़ आगे के हमारी जो सारी वीडियोस है उसको देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर हम यहाँ इसको कट कर देते हैं। थोड़ा सूख जाए उसके बाद आप कट करना, नहीं तो ये लटकन की जो नीचे लटक रही है ना सारी डायमंड वगैरह, उसकी वेट की वजह से वो निकल ना जाए। तो यहाँ पर हमारे यहाँ पर रेडी हो गए हैं हमारी राधा रानी के बहुत ही प्यारे से इयररिंग्स। आशा करती हूँ कि आपको इयररिंग्स बनाना बहुत ही इजी लगा होगा। और हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक राधे राधे, जय श्री कृष्णा।